आज़ादी के बाद से हमने अप्रोक्सीमेटली लगभग 1650 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, लेकिन वहीं बाकी के देशों को देखें तो चाइना के पास रफली 1.5 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद है। तो आप ये गैप देख सकते हो, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसी को देखते हुए हमारे देश में एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से शुरू है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी की योगी सरकार कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रही है। इनका टारगेट है कि जो अगला असेंबली इलेक्शन आएगा उस समय तक यूपी में कुल 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सप्रेसवे लेंथ हो। तो अगर इंडिया में सारे स्टेट्स को देखें तो यूपी में यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम काफी ज्यादा फास्ट लेन में शुरू है और इसकी वजह से इसे लैंड ऑफ एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी में बनने जा रहे या फिर ऑलरेडी बने हुए 9 एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। पहले नंबर पे आता है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर की। इसे 34,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनाया जा रहा है और ये यूपी का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। बता दें कि ये एक्सप्रेसवे का काम 15 सालों से डिले चल रहा था और अब जाके इसने कुछ तेजी पकड़ी है। वैसे इसके कम्प्लीशन टारगेट की बात करें तो वो रखा गया है 2025 का। इनिशियली इसे 6 लेन्स का बनाया जाएगा, लेकिन फ्यूचर के इंक्रीजिंग डिमांड को देखते हुए इसे 8 लेन्स तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। सेकेंड नंबर पे आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसकी कुल लंबाई है 340.8 किलोमीटर की। इसे अप्रोक्सीमेटली 22,495 करोड़ रुपीज की लागत से बनाया जा रहा है और इसकी डेडलाइन रखी गई है अप्रैल 2021 की। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसे 8 लेन्स में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा। थर्ड नंबर पे आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 302.2 किलोमीटर की। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसे इनॉग्रेट किया गया था ऑन 21 नवंबर 2016 बाय चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। वैसे कॉस्ट की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपीज का खर्चा आया था। चौथे नंबर पे आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 296.1 किलोमीटर की। इसे कुल 14,850 करोड़ रुपीज की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का कंप्लीशन टारगेट रखा गया है बाय 2022 और रिसेंटली ही 29 फरवरी 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके फाउंडेशन स्टोन को ले किया था। ये एक्सप्रेसवे भी 6 लेन का होगा और इसे 8 लेन्स में कन्वर्ट किया जा सकेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 180 किलोमीटर की। ये एक्सप्रेसवे भी इनिशियली 6 लेन का बनाया जाएगा और ये एक्सपेंडेबल है अप टू 8 लेन्स। इसका कंप्लीशन टारगेट रखा गया है बाय मार्च 2024। इस दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए रिसेंटली ही जनवरी 2021 को टेंडर अवार्ड किए गए थे फॉर फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ एक्सप्रेसवे फ्रॉम अक्षरधाम टू बागपत डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। सिक्स नंबर पे आता है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर की। ये एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया गया था 2001 में और फाइनली 9 अगस्त 2012 में इसे इनॉग्रेट किया गया। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन्स तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे। सेवेंथ नंबर पे आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे 27 मई 2018 को ओपन किया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 135 किलोमीटर की। इसे 11,000 करोड़ रुपीस के अमाउंट से बनाया गया है और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 36 नेशनल मॉन्यूमेंट्स, 40 फाउंटेन्स, ये सारे प्रोवाइड किए गए हैं। एट नंबर पे आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 96 किलोमीटर की और ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसमें कुल 14 लेन्स है। इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन रखी गई थी 31 दिसंबर 2020 की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी डेडलाइन को मिस कर गया और अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसे फरवरी तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। वेल, इसका जो फेज 3 है तो वो तो कंप्लीट कर लिया गया था और इसे नितिन गडकरी जी द्वारा 2019 को इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। नाइन्थ नंबर पे आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 91.35 किलोमीटर की। इसे 5,876 करोड़ रुपीज की लागत से बनाया जा रहा है। ये इनिशियली 4 लेन्स का होगा, लेकिन इसे एक्सपेंड किया जा सकेगा अप टू 6 लेन। इसे 2 पैकेजेस में बांटा गया है और कंप्लीशन टारगेट की बात करें तो इसे शेड्यूल किया गया है टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022। तो ये थे वो 9 एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई है रफली 2500 किलोमीटर की और जिसे योगी सरकार चाहती है कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन से पहले इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे दोबारा एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।